देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है और विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को गिनती आ रही है और 3 दिसंबर को जो गिनती किया जाएगा वो डाक मत पत्रों से गिनती शुरू होगी ऐसा बताया जा रहा है। मेरे पास खबर की लिस्ट एक बार आई है, मैं उसको एक बार आपको बताता हूँ कि उस लिस्ट में जो 3 दिसंबर को मतगणना की जो चुनावी जितने भी वोटिंग हुई है उसकी गिनती शुरू होगी 3 दिसंबर को और उसी के आंकड़े से अनुसार यहाँ पे जीत का दावा किया जा सकता है कि किसकी सरकार यहाँ पे किसकी राज्य में कौन सरकार बन रहा है। यहाँ पे जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसकी आंकड़े सबसे ज्यादा अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटें आई है कोई कोई राज्य में और कोई कोई राज्य में कांग्रेस की आई है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बीजेपी की बोलबाल दिख रही है और यहाँ पे आंकड़े जिस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं एक तरफ जाकर के, तो एक तरफ दिखा ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से आ रही है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है ऐसा बताया जा रहा है, तेलंगाना में भी आ रही है ऐसा बताया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार आ रही है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान उसमें भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ला सकती है सीटें और जो मिजोरम है वहां पर भी बीजेपी आ सकती है ऐसा लोगों का दावा है। तो देखिए, सबसे मैं आपको बता दूं तो छत्तीसगढ़ में दो फेज विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें पहले फेज की 20 सीटों पर जो 76% वोटिंग हुई है उसको लेकर 70 सीटों पर जो आंकड़ा था उसमें देखा गया कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कैश लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस हल्फा मचा रही है। तो छत्तीसगढ़ में जो 76% से वोटिंग हुई है लेकिन जो फेज था वो जो 70 सीटों पर जो 75% वोटिंग हुई है उसको लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पे अहम मानी जा रही है, कांग्रेस के खाते में सीट सबसे ज्यादा आने वाली है और वोट भी उन्हीं के काउंटिंग होगी। तो जो 3 दिसंबर को आंकड़े आने वाले हैं ये राज्य में अभी कांग्रेस सरकार में बीजेपी ने जो जीत का दावा किया है वो सबसे ज्यादा अहम बताया जा रहा है। वही विधानसभा की मतों की गणना जो 3 दिसंबर को आने वाली है वो सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अभी कांग्रेस पहले से ही यहाँ पे जीत का दावा कर रही है और वहाँ शुरुआती तौर में भी रुझानों के अनुसार जो बताया गया था आंकड़े उसको लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कांग्रेस की सीटें की गिनती आ रही है। तो यहाँ पे वोट की शुरुआत जिस तरीके से वहां पे की जा रही थी, यहाँ तक कि मारपीट भी मध्य प्रदेश में देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, तो वहां पर भी देखा गया तो वोटों की गिनती जिस तरीके से आ रही थी, मत दे रहे थे लोग, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कांग्रेस की बताई जा रही है। तो 3 दिसंबर को जो मतगणना की प्रक्रिया होने वाली है उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा कांग्रेस की बताई जा रही है और जो 2 विधानसभा को लेकर के राज्य हैं, 2 राज्य उसमें देखा जा रहा है तो कांग्रेस नहीं बीजेपी आ सकती है। तो ऐसा ऐसा आंकड़े तैयार किए गए हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कांग्रेस की ही कायस लगाई जा रही है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अगले न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।